हे hey दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सैम वॉल्टन के बारे में, जो एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे और जिनकी कंपनी वॉलमार्ट आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है। अब वो वीडियो आप लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि लिटरली हजारों लोगों ने मुझे कमेंट मैसेज करके कहा कि मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाऊं। सो आज मैं आपकी वही रिक्वेस्ट को सुनते हुए उसी बुक की समरी अगेन बना रहा हूं, 5 न्यू पॉइंट्स को कवर करते हुए। लास्ट वीडियो अगर आपको याद होगा तो सैम वॉल्टन ने बड़ी मेहनत से, अराउंड 5 साल मेहनत करके, एक लॉस में जा रही स्टोर को अपनी स्टेट की सबसे बड़ी स्टोर बना दी थी, बट वो स्टोर उनके मालिक ने उनसे वापस ले ली, जिसकी वजह से उनकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। नाउ अब हम देखेंगे कि उसके बाद सैम वॉल्टन ने क्या किया। सो लेट्स बिगिन। वेल, बहुत से लोग शायद ऐसा होने के बाद बोलते कि यार बिजनेस ये सब मेरे बस की बात ही नहीं है, बेटर मैं जॉब ही करूं, वही सेफ रहेगा। बट सैम ऐसे नहीं थे। उन्हें दुख तो काफी हुआ अपनी दुकान खो देने का, बट स्टिल उन्होंने एक रियल मैन की तरह हार नहीं मानी और फिर वापस उन्होंने एक नई दुकान खोलने का टफ डिसीजन लिया, अपनी पुरानी दुकान से जो भी प्रॉफिट्स बचे थे उसका यूज करते हुए। कई जगह जाके उन्होंने स्टोर्स देखी, बट फिर एट द एंड उन्होंने दुकान खरीदी बेंटनविल नाम की जगह पे, जो एक बहुत छोटा सा टाउन था जहां बस अराउंड 3,000 लोग रहते थे। और सबसे बड़ी बात, वहां ऑलरेडी 3 दुकानें पहले से खुली थी, जबकि सैम बोलते हैं कि उस जगह के लिए एक दुकान ही बहुत थी। उनकी पुरानी शॉप जिसको वो खो चुके थे, वो अराउंड 2,50,000 का सेल करती थी हर साल, जबकि ये जो न्यू दुकान उन्होंने खरीदी थी वो हार्डली बस 35,000 का सेल कर पाती थी हर साल। बट स्टिल, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिशन बहुत पसंद था और उनकी सोच बड़ी थी, इसलिए उन्होंने ये सब छोटी बातों को सोचने के बजाय उधर ही दुकान खोली अपने पैसे के लिमिटेशंस को समझते हुए। नाउ दुकान खोलते ही उन्होंने एक बहुत बड़ी सेल लगा दी, बहुत सी चीजों को एकदम कम प्रॉफिट में बेच के, जिससे कि उस छोटे से टाउन में सबको पता चल गया कि एक न्यू दुकान खुली है जो बहुत सस्ते में चीजें बेचती है। और ये सब बहुत जल्दी हुआ। देखो, बात तो ये है कि आप दो में से एक तरह के इंसान बनके लाइफ बिता सकते हो। पहला, एक ऐसा इंसान बन सकते हो जिससे अगर आप उसके पैसे या पावर ले लोगे या उसे किसी बड़ी प्रॉब्लम के सामने रखोगे तो वो चुपचाप हार मान के बैठ जाएगा, या फिर आप सैम वॉल्टन और एंड्रयू कार्नेगी की जैसे इंसान की तरह बन सकते हो, जिन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, हमसे हमारे पैसे ले लो, हमारी फैक्ट्रीज छीन लो, हमारी मशीन्स ले लो, सब ले लो, लेकिन बस हमें 2-4 साल दो, हम वापस आपको सब कुछ बना के दिखा देंगे। देखो, यही होता है एक रियल मैन की क्वालिटी। और आज का फर्स्ट लेसन, बी सेल्फ सफिशियंट। सब कुछ खो के भी सब कुछ वापस बना लेने का दम रखो, चीजों और पैसों के भरोसे नहीं, बल्कि अपने आप के ऊपर भरोसा रखकर काम करो। अब अपनी न्यू स्टोर चलाते चलाते एक बार उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा कि दो बेन फ्रैंकलिन स्टोर्स ने एक एकदम ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट चालू किया है सेल्फ सर्विस नाम का, जिसमें कस्टमर्स खुद अपने आप से सामान लेते हैं और बस काउंटर पे जाके पैसे पे कर देते हैं। ये चीज सैम वॉल्टन को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए वो रात में शॉप बंद करके बस पकड़कर पूरी रात ट्रैवल करके दूसरे दिन पाइपस्टोन और वर्थिंगटन नाम के छोटे टाउन्स पहुंचे जहां ये कॉन्सेप्ट यूज किए जा रहे थे। वहां जाके उन्होंने एकदम अच्छे से सीखा कि कैसे एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट काम करता है, और फिर वापस आके उन्होंने सेम चीज अपनी स्टोर में अप्लाई करना चालू करी। ऐसा करने से उनकी स्टोर वो थर्ड स्टोर बनी जिसने सेल्फ सर्विस स्टार्ट करा था उस टाइम पे। सिमिलरली ही वो हमेशा करते थे, अगर उन्हें पता चलता कि कोई सामान एक सेलर बहुत सस्ते में दे रहा है तो उसके लिए घंटों ड्राइव करते और उस इंसान के टाउन में जाते और फिर ट्रक भर भर के सामान लेके आते, जो फिर सस्ते में वो अपने स्टोर में बेचते। ऐसे ही कई एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस और अपने फ्रेंडली नेचर के साथ वो अगेन अपनी न्यू स्टोर को काफी ग्रो करने लगे। नाउ इतनी सी स्टोरी से ही जो बात हमें सीखनी चाहिए वो है लेसन नंबर सेकंड, नॉट फर्स्ट बट नॉट लास्ट। मतलब अगर कोई अच्छी चीज आप खुद से इन्वेंट नहीं कर पाए हो सबसे पहले और किसी और ने कोई अच्छी चीज इन्वेंट करी है तो कई बार इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप लास्ट भी मत रहना एक्शंस लेने में और वो सेम चीज अपनी बिजनेस में अप्लाई करने में। सैम वॉल्टन वो पहले इंसान नहीं थे जिसने सेल्फ सर्विस स्टार्ट करी, ना वो डिस्काउंटिंग का प्रिंसिपल यूज करने वाले पहले इंसान थे, नहीं। लेकिन जब भी उन्हें कोई अच्छी न्यू चीज के बारे में पता चलता जिसके बारे में वो पढ़ते देखते या सीखते तो वो उसे फौरन अपनी स्टोर में भी अप्लाई करने लगते, बिना उसके एकदम कॉमन हो जाने के बाद अप्लाई करने के। अब ऐसे ही कई टैक्टिक्स का यूज करते हुए जब उनकी ये स्टोर भी हिट होने लगी तो उसके फौरन बाद सैम ने क्या किया कि फिर एक और न्यू स्टोर देखना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो, जैसा कि वॉरेन बफेट बोलते हैं, अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहते थे, मतलब बस एक स्टोर में पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहते थे और डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक और शॉप ली पास के ही एक टाउन में। ये एक छोटी सी दुकान थी जिसके आसपास दो बड़ी दुकानें कॉम्पिटिशन में थी, बट अगेन उन्होंने उस स्टोर को खरीद ही लिया। सैम बोलते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है दैट वॉलमार्ट का आइडिया उन्हें अचानक आया और बहुत जल्दी ही ग्रेट ग्रेट आइडियाज वो अपनी स्टोर में अप्लाई करके दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गए, बट सच तो यह है कि ये आइडियाज, एक्सपीरियंस और प्लान्स उनके 20 साल अलग अलग स्टोर्स में काम करने की मेहनत थी। और पहली वॉलमार्ट स्टोर तो उन्होंने 44 ईयर्स की एज के होने के बाद खोली थी।
अच्छा आप वापस स्टोरी पे आए तो न्यू दुकान लेने के बाद उन्हें स्टोर संभालने के लिए एक अच्छे मैनेजर की जरूरत थी, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो एक कॉम्पिटिटर स्टोर की दुकान में गए और वहाँ के ग्रेट मैनेजर विलेड वॉकर, जिन पे उन्होंने बहुत टाइम से नजर रखी थी, उनको एक ऑफर दिया। ऑफर ये था कि वो उन्हें अपना पार्टनर बनाएंगे और न्यू स्टोर का कुछ प्रॉफिट उन्हें देंगे। अब क्योंकि विलेड को भी सैम के बारे में पता था और उन पे भरोसा भी था, इसीलिए उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। सैम बोलते हैं यही दूसरों के बेस्ट मैनेजर्स चुराने की स्ट्रेटेजी उन्होंने बेशर्मों की तरह बहुत बार यूज करी थी अपने करियर में, जो बहुत सक्सेसफुल भी साबित हुई। इसीलिए थर्ड लेसन ये है कि एक्सपांड विद ग्रेट पार्टनर्स, बस एक सोर्स पे डिपेंड मत रहो और अच्छे पार्टनर सिलेक्ट करके अपनी कंपनी को ग्रो करो, बिकॉज कई बार सैलरी से ज्यादा कुछ परसेंट ऑफ बिजनेस देना सही होता है बड़ी ग्रोथ अचीव करने के लिए। एक बार वॉलमार्ट में फिल नाम के मैनेजर को जब डिटर्जेंट कंपनी से काफी सस्ता ऑफर मिला डिटर्जेंट पाउडर खरीदने का, तब उन्होंने क्या किया कि डिटर्जेंट बॉक्स के 3500 बड़े बड़े डब्बे खरीद लिए कंपनी से, वो भी एक साथ। इमेजिन करने के लिए बताओ तो वो इतने सारे बॉक्स थे एक के ऊपर एक रखे हुए कि जिसकी वजह से अराउंड 75 से 100 फीट ऊंचा पहाड़ जैसा बन गया था डब्बों का। और फिर जहां एक बॉक्स नॉर्मली $4 का लोग बेचते थे, वहीं फिल ने सेम बॉक्स को बस $2 में बेचना स्टार्ट किया कस्टमर्स को, बिकॉज ज्यादा वॉल्यूम से प्रॉफिट कमाना ही उन्होंने सीखा था सैम से। अब इस सिचुएशन में कोई नॉर्मल बॉस होता तो इस चीज के लिए वो मैनेजर को एटलीस्ट चिल्लाता तो फॉर श्योर, क्योंकि 3500 सच बहुत ज्यादा होता है उनके एक छोटे से टाउन के लिए। बट सैम ने उन्हें चिल्लाने के बजाय बस ये देखना पसंद किया कि क्या होता है इसका रिजल्ट, बिकॉज जब वो न्यू स्टोर्स खोलते थे तब वो अपने साथ काम कर रहे लोगों को पूरी फ्रीडम देते थे न्यू चीजें ट्राई करने के लिए। और तभी उन्होंने अपने पार्टनर्स एम्प्लॉयज को ये इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन भी सिखाया था कि एक हॉट प्रोडक्ट सर्च करो, फिर उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदो और फिर उसको बहुत ड्रामेटाइज करके बेचो, जो सेम यहाँ फिल ने किया था। नाउ इसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकला कि ये स्टंट की वजह से हर जगह बात आग की तरह फैल गई कि एक न्यू दुकान ऐसी अमेजिंग चीज कर रही है। इवन न्यूज और दूसरे टाउन के लोग आने लगे सैम की दुकान में और ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। सिमिलरली फिर वो लोगों ने ऐसे ही कई अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ किया और कई बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे कि केमार्ट को अपने से पीछे कर दिया ऐसा ड्रामा क्रिएट करके प्रोडक्ट के अराउंड। सो लेसन फोर्थ, सेल विथ ड्रामा। आपने कई बार देखा होगा कि जब बड़ी कंपनीज कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, अपने प्रोडक्ट को ऐसा दिखाती है जैसे वो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है, जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू कई गुना ज्यादा लगने लगती है लोगों को और कस्टमर्स फिर उसे ज्यादा खरीदते भी है, बिकॉज ड्रामा अटेंशन ग्रैब करता है। सेम चीज आपको भी करनी चाहिए सैम की तरह, आप भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जितना हो सके उतना ड्रामेटाइज करके बेचो। नाउ दो रैंडम बोनस लेसन्स बताओ तो डेविड क्लास बोलते हैं सैम में दो चीज ऐसी थी जो उन्हें दूसरों से बहुत अलग बनाती थी। पहली, सैम बहुत ज्यादा सॉलिड डिटर्मिनेशन के साथ हर दिन उठते थे चीजों को पहले से बेटर बनाने के लिए। और दूसरी बात, सैम कभी भी गलत प्रूफ होने से डरते नहीं थे ऐसे लेवल पे जितना डेविड ने कभी किसी और में नहीं देखा था। डेविड बोलते हैं सैम को जब भी पता चलता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो फौरन अपना फोकस उस गलत से हटा के एक न्यू डायरेक्शन में एक्शंस लेने लगते चीजों को बेटर बनाने के लिए। अब इन्हीं लेसन के साथ वापस स्टोरी पे आए तो सैम जब अपनी शॉप चला रहे थे तभी उन्हें एक और न्यू कॉन्सेप्ट की स्टोर्स के बारे में पता चला, जो था डिस्काउंट चेन्स का। मतलब ऐसी स्टोर्स जहां एक दो प्रोडक्ट सस्ते में नहीं बल्कि हर एक प्रोडक्ट डिस्काउंट में बिकता है। सैम को जब इन स्टोर्स के बारे में पता चला तब केमार्ट और टारगेट जैसी चेन्स इस फील्ड में डोमिनेट करने लगी थी। सैम को पता था कि वो इन कंपनीज को ओल्ड तरीकों से बीट नहीं कर पाएंगे, तब वो बटलर ब्रदर्स के पास गए जिनकी बेन फ्रैंकलिन स्टोर्स वो अभी भी चला रहे थे। लेकिन तब बटलर ब्रदर्स को ये आइडिया इतना खास नहीं लगा और उन्होंने ऐसे डिस्काउंट शॉप्स खोलने से मना कर दिया। सैम को ये रिजेक्शन काफी बुरा लगा, बट उन्हें जो करना था तो करना था। इसलिए फिर उन्होंने बिना किसी हेल्प का सोचे खुद ही एक डिस्काउंट चेन वाली शॉप खोलना स्टार्ट कर दी, जो आज हम सब वॉलमार्ट के नाम से जानते हैं। सैम बोलते हैं अच्छा हुआ बटलर ब्रदर्स ने तब मना कर दिया, वरना वो और उनकी फैमिली आज भी बेन फ्रैंकलिन स्टोर्स ही चला रही होती। अब जब सैम ने वॉलमार्ट की स्टोर स्टार्ट करी तब उनके पास पहले जैसे कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई ऑर्डरिंग प्रोग्राम नहीं था, कोई कंप्यूटर्स नहीं थे, कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं थे, ना क्रेडिट, ना कोई सेल्समैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट उनके एक स्टोर को जब उनके एक फ्यूचर मैनेजर देखने आए थे तब उन्होंने कहा था कि ये उनकी देखी हुई सबसे गंदी स्टोर्स में से एक थी, बिकॉज वहां कुछ भी प्रॉपरली नहीं रखा गया था और स्टोर दिखने में जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। बट स्टिल ये सब के बाद भी वो स्टोर सर्वाइव कर पाई बिकॉज सैम ने दो सबसे मेन चीज पे हमेशा अपना फोकस रखा बिजनेस करने के लिए, जो था फर्स्ट जितना हो सके उतना सस्ते में चीजें बेचना और सेकंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सैम ने हर कस्टमर्स को बोल दिया था कि अगर इससे सस्ता कहीं भी आपको सामान मिले तो मुझे सामान वापस करके जाना, और अगर सामान ना पसंद आए तो भी वापस करके जाना।
आप ही सोचो, एक कस्टमर को और क्या चाहिए होता है। दो सबसे मेन चीज जो कस्टमर्स को चाहिए थी उन्होंने वही उन्हें दी, और इसीलिए ही फिर देखते ही देखते वो एक से दो, दो से तीन और तीन से कई सारी खुद की वॉलमार्ट्स खोल दी। सो लेसन 5, फोकस ऑन एसेंशियल्स। हमेशा बिजनेस करते हुए उन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस रखो जो कस्टमर्स को चाहिए, ना कि जो आपको चाहिए। सैम की वॉलमार्ट में धीरे धीरे सब आया, सिस्टम, ब्यूटी, कंप्यूटर्स, बट जब उनके पास इतने पैसे नहीं थे तब उन्होंने बस बेसिक पे फोकस करके बिजनेस को ग्रो करा, जो आपको भी हमेशा करना चाहिए। ये थे 5+2 बोनस लेसन मेड इन अमेरिका बुक से। कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट केस स्टडी किस पे बनाऊं, बिकॉज आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेड इन अमेरिका बुक खुद से पढ़ना चाहते हो उसकी और कई सारी बातें सीखने के लिए, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekand.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजोन कंपनी है जो एक महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। मैंने ऑडिबल से ही सुन के ये बुक समरी बनाई है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, शेयर करें इस वीडियो को उनके साथ जो बिजनेस करते हैं या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी बुक्स और मेंटर्स की बातें सीखने अच्छी लगती है, और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबाएं, इससे आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करोगे और मुझे सपोर्ट भी करोगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।